जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सर्दी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना के लक्षण मिलने के बाद उनकी जांच कराई गई, जिसमें वे संक्रमित पाए गए। वहीं तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास, उनके समर्थकों और मथुरा के जिलाधिकारी से बात की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहान से बात की है और महंत नृत्य गोपाल दास को गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी है। आसपास ये सूचना हम लोगों को कि कुछ फीवर है महाराज जी को, तत्काल डॉक्टरों की टीम यहाँ पे भेजी गई, उन लोगों ने पूरी छानबीन की, दवाइयाँ भी दी, फीवर नॉर्मल है इस समय, कुछ हल्की ब्रेथलेस टाइप की समस्या थी सांस में, तो ऑक्सीजन लेवल भी महाराज जी का इस समय सैचुरेटेड है। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है, वहाँ कोरोना भी टेस्ट कराया गया एंटीजन का, तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षण की वो खबर ले रहे हैं और उन्होंने 3-4 बार फोन करके ये निर्देश दिए हैं कि महाराज जी के बेहतर चेकअप के लिए और बेहतर इलाज के लिए उनको तुरंत मेदांता में शिफ्ट कराया जाए। जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी ALS एम्बुलेंस आ गई है, डॉक्टरों की टीम मजिस्ट्रेट स्पोर्ट के साथ महाराज जी को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं। महाराज जी के शिष्य यहाँ पे महेंद्रदास जी हैं और जल्दी से जल्दी महाराज जी को, और वर्तमान समय में महाराज जी पूरी तरह से स्टेबल हैं, लेकिन एक बेहतर इलाज के लिए और बेहतर उसमें जो है ट्रीटमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षण की खबर रख रहे हैं और उन्होंने निर्देशित किया है कि महाराज जी को वहाँ पे शिफ्ट कराया जाए। वहाँ पे भी शिफ्ट करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश दिए। गौरतलब है कि महंत नृत्य गोपाल श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर वे बुधवार रात श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हर बार वे इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार वे अयोध्या से पवित्र सरयू जल भी बाल गोपाल के अभिषेक के लिए लेकर गए थे। वे जन्म स्थान में ठाकुर जी के अभिषेक के समय भी बैठे रहे थे और उनके शिष्य ने ही अभिषेक की परंपरा को निभाई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।